मेरे सभी प्यारे दोस्तों को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप कोरोना वायरस को हराने के लिए साबुन और पानी से अपने हाथ धोते हैं और 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं? यदि नहीं तो आज से ही इस सूचनाओं का पालन कीजिए। सिर्फ जरूरत के कामों के लिए ही बाहर जाए और हमेशा मुंह को ढककर ही घर से बाहर निकले। हमारी सखी मासूमा हमें नई और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाने में हमारी मदद करती है। आशा करती हूँ कि ये कहानियां आपको दिलचस्प लगती होगी और आपको सीख देने में सहायता करती होगी। आज की कहानी का नाम है महानता के लक्षण। एक बालक नित्य विद्यालय पढ़ने जाता था। घर में उसकी माता थी। माँ अपने बेटे पर प्राण न्योहार किया करती थी। उसकी हर मांग पूरी करने में आनंद का अनुभव करती थी। पुत्र भी पढ़ने लिखने में बड़ा तेज और परिश्रमी था। खेल के समय खेलता, लेकिन पढ़ने के समय का ध्यान रखता। एक दिन दरवाजे पर किसी ने माई ओ माई पुकारते हुए आवाज लगाई, तो बालक हाथ में पुस्तक पकड़े हुए द्वार पर गया। देखा कि एक फटेहाल बुढ़िया कांपते हाथ फैलाए खड़ी थी। उसने कहा, बेटा कुछ भीख दे दो इस गरीब को। बुढ़िया के मुंह से बेटा सुनकर वो भावुक हो गया और माँ से आकर कहने लगा, माँ एक बेचारी गरीब माँ मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है। उस समय घर में कुछ खाने की चीज नहीं थी, इसलिए माँ ने कहा, बेटा रोटी भात तो कुछ बचा नहीं है, चाहे तो चावल दे दो। पर बालक ने हट करते हुए कहा, माँ चावल से क्या होगा? तुमने जो अपने हाथ में सोने का कंगन पहना है वही दे दो उस बेचारी को। मैं जब बड़ा होकर कमाऊंगा तो तुम्हें दो कंगन बनवा दूंगा। माँ ने बालक का मन रखने के लिए सच में ही सोने का कड़ा कलाई से उतारा और कहा, लो दे दो बेटा। बालक खुशी खुशी वो कंगन उस भेकारिन को दे आया। भेकारिन को तो मानो एक खजाना ही मिल गया। कंगन बेचकर उसने परिवार के बच्चों के लिए अनाज कपड़े यदि जुटा किया। उसका पति अंधा था। उधर वह बालक पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान हुआ, काफी नाम कमाया। एक दिन वो माँ से बोला, माँ तुम अपने हाथ का माप दे दो, मैं कंगन बनवा दूंगा। उसे बचपन का अपना वचन याद था। पर माता ने कहा, उसकी चिंता छोड़, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि अब मुझे कंगन शोभा नहीं देंगे। हाँ, कलकत्ते के तमाम गरीब बालक विद्यालय और चिकित्सा के लिए मारे मारे फिरते हैं। उनके लिए तू एक विद्यालय और एक चिकित्सालय खुलवा दे, जहाँ निशुल्क पढ़ाई और चिकित्सा की व्यवस्था हो। क्या आपको पता है उस माँ के पुत्र का नाम क्या था? उस माँ के पुत्र का नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दिलचस्प थी ना? इस कहानी से हमने ये सीखा कि अच्छी और सच्ची सोच रखने वाले बच्चे बड़े होकर महान काम करते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे खुद महान काम कर जाते हैं, इसलिए किसी को भी खुद से कम नहीं समझना चाहिए। कल मैं फिर आऊंगी आपके लिए ऐसी ही एक नई और मजेदार कहानी लेकर, ताकि आप और हम सब मिलकर इन कहानियों से जीवन की सीख ले सके। मैं आरती नाइक चेंज मेकर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके लिए रोज नई नई कहानियां ला सकूं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अलविदा।